हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। बहुत सारी प्लांटेड टैंक की सॉइल्स अवेलेबल है मार्केट में। एरिए हो गया, ट्रॉपिका है, JBL है। बहुत बार लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपने क्या ट्रॉपिका यूज़ करी है या फिर कोई और पर्टिकुलर सॉइल, कॉन्ट्रो सॉइल हो गई आपने यूज़ करी है, उसके क्या रिजल्ट रहते हैं। तो ऑनेस्टली गाइज, मैंने सिर्फ ADA ही अब तक यूज़ करी है, बिकॉज एज अ बिगनर जब आप स्टार्ट करते हो प्लांटेड टैंक सेटअप करना, जब आप कभी कोई सॉइल सर्च करते हो किसी के बारे में, जब मैंने भी प्लांटेड टैंक के बारे में बनाने को सोचा था तो मैंने यही सर्च किया था कि क्या सॉइल मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या बेस्ट सॉइल है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करे। तो मुझे भी रिजल्ट मोस्टली ADA के ही मिले थे और यही रीज़न है कि मैंने सारे स्केप जो है वो ADA से करे थे। तो ADA में मेरा एक्सपीरियंस है, अब मुझे 2 साल का ऑलरेडी हो गया है। लेकिन जैसे जैसे मैं इन्वॉल्वमेंट चैनल में बढ़ रहा है, आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, आप लोग को अच्छे लग रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना फ्यूचर में मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स ज़रूर लाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट सॉइल यूज़ करूँ। लाइक मैंने ट्रॉपिका मेरे पास है, मैं उसको जल्दी स्केप करूँगा, मैंने प्लान किया हुआ है। और अभी रिसेंटली एक नई सॉइल लॉन्च हुई है जिसका ब्रांड है एक्वारियो और द सॉइल इज कॉल्ड नियो। नियो कॉम्पैक्ट सॉइल, ये एक रिसेंटली लॉन्च, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, कंपनी में भी 10 साल पुरानी होगी रफली, कोरियन ब्रांड है। धीरे धीरे इसके जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, लाइक डिफ्यूज़र कुछ साल पहले, देन सॉइल आई। मैंने इनके डिफ्यूज़र यूज़ करे जो बहुत ही अच्छे हैं, जिस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर किया है और मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो गाइस, उसके लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारी सॉइल पे, डिफरेंट सॉइल पे मैं एक स्केप ज़रूर तैयार करूँगा, मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस आ सके कि किस सॉइल से क्या ग्रोथ है और मैं आप लोगों से अपने रिजल्ट भी शेयर कर सकूं। और एटलीस्ट जब लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि ये सॉइल अच्छी है या ये सॉइल के क्या रिजल्ट हैं, तो उसको मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकूं। जितने भी प्लांटेड टैंक की सॉइल है वो ज़्यादातर 9 लीटर के बैग में आती है। नियो भी जो है ये 9 लीटर की तो नहीं, ये 8 लीटर के पैक में आती है। तो रफली आप मान के चलें 7-8 kg का बैग होगा, इसमें सॉइल है इसमें। नाउ दैट इज सूटेबल अप टू 50 लीटर्स के एक्वेरियम में। और बिफोर आई गो इन टू द टॉपिक, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि ये किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है सॉइल का, कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्वास्केपर नहीं हूँ कि मैं दूसरे ब्रांड से इसे कंपेयर करूँ। इट इज़ जस्ट मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ नई चीज़ यूज़ करने में, मेरा खुद की परचेज है, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वन। वह है डेफिनेटली ऐसी चीज़ अगर कभी फ्यूचर में होगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल। जितनी भी मार्केट में प्लांटेड टैंक की सॉइल अवेलेबल है, ये सॉइल भी जो है फिश के लिए, श्रिम्प्स के लिए डेफिनेटली सेफ है। pH को थोड़ा सा लोअर करती हैं, आपके वाटर की हार्डनेस को लोअर करती है, जो सूटेबल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, स्टेबलाइज करती है एक एनवायरनमेंट को। इसके जो साइज़ है सॉइल के वो स्लाइटली जो है अराउंड सिमिलर है, सिमिलर आप कह सकते हो जो अदर प्लांटेड टैंक की सॉइल है, ज़्यादा खास फर्क नहीं है। बट वॉट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट नियो सॉइल इज़ वो ये कि एक्वारी जो नियो सॉइल है वो उसमें 2 लेयर है। अंदर की लेयर थोड़ी सी पोरस लाइट कलर की है और बाहर की सॉइल जो है वो डार्क, किसी भी प्लांटेड टैंक सॉइल की तरह है। ये सॉइल वॉल्केनिक सॉइल के, जो नेचुरल वॉल्केनिक सॉइल है उससे बनी है, तो इट मींस इट कैरीज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो अकॉर्डिंग टू एक्वारियो, उनके हिसाब से जो ये फीचर है, इसकी वजह से आपको जो इनिशियल स्टेज पे डोजिंग होती है फर्टिलाइज़र की, जब आप प्लांटेड टैंक सेट करते हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सॉइल जो है बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। उसके एक बेनिफिट्स ये भी है अकॉर्डिंग टू देम, ये जो सॉइल है बिकॉज ऑफ 2 लेयर की वजह से इसमें भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया एस्टैब्लिश हो सकते हैं, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ये वॉल्केनिक मिनरल से ली गई है, तो इसमें भी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, तो ये प्लांट को तो प्रमोट करेगी, हेल्दी रूट सिस्टम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपका पानी का फिल्ट्रेशन भी अच्छा रहेगा। आपके पानी में जितने पॉल्यूटेंट्स हैं, जितने भी ख़राब इनिशियल स्टेज पे जो भी नाइट्राइट बढ़ रहा है, तो ये उनको भी जो है डीनाइट्रिफाई करेगी बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल कॉलोनी जो इस सॉइल में डेवलप होगी। तो ना अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, जो डेफिनेटली सही होंगी, बट मैं यूज़ करूँगा, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये है गाइस कि किसी भी अदर, फॉर एग्जांपल ADA ले लें, तो आप ADA में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सुपर फोर हो गया, पावर सैंड हो गई, तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, जो बेसिकली इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि आप जब सॉइल ऐड करते हो तो वही एक सोल चीज़ है जो जिसकी प्लांट को ज़रूरत है, उसके अलावा आपको किसी भी तरह का एडिशनल चीज़ें नहीं जो है ऐड करनी है। बट डेफिनेटली इसके फर्टिलाइजर्स आते हैं, डेफिनेटली इसके रूट टैब्स आते हैं जो आपको आगे फ्यूचर में काम आएंगे, एटलीस्ट 1 महीने बाद। विद दैट सेड, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप जब भी इस तरह का कोई बैग लेते हो तो आपको इनके 2 रूट टैब्स
फ्री मिलेंगे, स्पेशली विद द 8 लीटर्स का बैग। तो इसमें से एक इनका आयरन के रूट टैब्स हैं और एक इनका जो ऑल इन वन फर्टिलाइजर होते हैं, बेसिकली वही काम इसका है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉयल। अच्छी पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सुपर फोर का खर्चा है ना, पावर फैन का खर्चा है, ऑल्सो द न्यूट्रिएंट लेवल इज वेरी हाई। वो एक महीने तक डोज भी नहीं करने हैं फर्टिलाइजर, दैट इज द रीजन आई एम गिविंग इट अ ट्राई। और इस चीज को देखने के लिए, इसका रिजल्ट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। 5 प्लांटेड टैंक जो लास्ट ईयर मैंने सब प्रिपेयर किए थे, उनको मैं फिर से रीस्केप कर रहा हूँ, सब मैं खत्म कर चुका हूँ ऑलरेडी इस शिफ्टिंग में। इस टैंक में भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि नियो सॉइल यूज करूंगा। अभी मेरे पास सॉइल नहीं है, मे बी फ्यूचर में सॉइल जब मंगाऊंगा तो इस टैंक को भी स्केप करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।